पाताल पानी में 4 और 5 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम में 2 लाख लोगों के सम्मिलित होने की संभावना है, जो कि नया वेरिएंट फैलने की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर शहर में कोरोना ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। ऐसे में मध्य प्रदेश की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने एक बेतुका बयान देते हुए कहा है कि किसी को कुछ नहीं होगा और टंटिया मामा के ताबीजों से लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। इंदौर में टंटिया भील स्मृति कार्यक्रम बड़े स्तर पर होने जा रहा है, जिसमें 2 बड़ी यात्राएं और तकरीबन 2 लाख लोग शामिल होने जा रहे हैं, परंतु शहर में कोरोना वायरस ने अपने पैर वापस पसारना शुरू कर दिया है। ऐसे में संक्रमण फैलने का खतरा दुगना बढ़ जाता है। बहरहाल आदिवासी क्षेत्र में पहले से ही चिकित्सा व्यवस्थाएं परिपूर्ण नहीं रहती और कार्यक्रम में अगर संक्रमण हुआ तो उसे रोकना सभी के लिए टेढ़ी खीर हो सकता है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री से जब इस मुद्दे पर प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि फिलहाल कार्यक्रम में कोविड को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है और मेरा दृढ़ विश्वास है कि कहीं कुछ भी नहीं होगा और टंटिया मामा के जो ताबीज बटते हैं उससे लोगों का स्वास्थ्य लाभ मिलता है। बहरहाल भाजपा नेता उषा ठाकुर केवल अपने दृढ़ विश्वास के बलबूते पर लोगों के स्वास्थ्य का सट्टा लगा रही हैं, जो भविष्य में एक बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। बड़े अभी कोई प्रतिबंध नहीं है और मेरी दृढ़ आस्था और विश्वास है कि कहीं कुछ होना नहीं हुआ, सब स्वस्थ। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि टंटिया मामा के ताबीज जो बटते हैं उनसे लोग स्वास्थ्य लाभ हासिल करते हैं। असीम आस्था है वहाँ और इतने बड़े क्रांतिकारी को हम प्रणाम करने जा रहे, कहीं कोई ना प्रकृति ना परमात्मा, कहीं कोई व्यवधान किसी प्रकार से पैदा नहीं हो पाएगा।